सबसे पहले स्वागत है आप सभी कुछ नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, कौन सा इन्फॉर्मेशन? बैट बॉल के बारे में दे दीजिए। देखिए, अभी हम पढ़ाई लिखाई के बारे में बोले थे ना आपको बताने के लिए, तो कौन सा दे दीजिए? पार्ट टू का एडमिशन के बारे में दे दीजिए। अच्छा, पार्ट टू के एडमिशन के बारे में, तो आज पार्ट टू के एडमिशन के बारे में ही जानकारी बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सर हमारे कॉलेज में पार्ट टू के एडमिशन की प्रक्रिया कब से शुरू किए जाएंगे, या चल रही है या नहीं चल रही है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। और कुछ कैंडिडेट को यह भी जानकारी होगा कि रिजल्ट आने के बाद उनके कॉलेज में पार्ट टू में एडमिशन लिए जाते हैं। तो ओवरऑल हम ये जानकारी दे दूंगा आप लोगों को कि आप लोगों के कॉलेज में पार्ट टू के एडमिशन की प्रक्रिया किस हिसाब से चल रहे हैं और आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि पार्ट टू के एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं और आप लोगों के पार्ट वन के रिजल्ट में भी कुछ देरी है। कॉमर्स वाला का हो गया है, साइंस और आर्ट वाला का बाकी है, वो भी बहुत जल्द जारी होने वाला है। देखो भाग गए, देखो भाग गया, तो चलिए भाग गया तो कोई बात नहीं है। अब मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए भाई साहब, पार्ट टू के एडमिशन के बारे में अभी हम देखे हैं कुछ कॉलेजों में, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कुछ कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है, चाहे वो आरके कॉलेज का हो या बीएसजे कॉलेज का हो या एपीएसएम कॉलेज एपीएसएम कॉलेज का हो, सभी का एडमिशन प्रोसेस चालू हो गया और एमएलएसएम कॉलेज का भी चालू हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग को अपने कॉलेज से विजिट करके इस बात की जानकारी ले लेना है कि आपके कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया चल रही है या नहीं चल रही है, क्योंकि विश्वविद्यालय के तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है वो नहीं आता है इसमें। ठीक है, ये कॉलेज का काम रहता है, कॉलेज अपने सुविधा अनुसार एडमिशन लेते हैं। बाकी आप लोगों के एग्ज़ाम जो है पार्ट टू का, वो जून महीना में बताया गया है और कम समय बचा हुआ है, इसीलिए आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी करना है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब जो रिजल्ट दे रहा है ना, तो देख रहा है कि सब एक तरह से आंसर लिखे हुए हैं, तो उस पर जो है एवरेज मार्किंग दे करके और कम अंक दे करके उनको पास कर दिया जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को एवरेज मार्क से बचना है, तो एक यूनिक आंसर बनाइए जो कि आप लोगों को रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर में मिल जाएगा। आपके मार्केट में रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर मिलेंगे, उस गेस्ट पेपर से आप लोग तैयारी करिएगा और जिस हिसाब से यूनिक आंसर दिया गया है ना, उसी हिसाब से आप लोगों को एग्जाम में लिखना है। और उम्मीद है कि आप लोगों को जो आने वाले एग्जाम है उनमें आपका रिजल्ट जो हो वो अच्छा हो। ठीक है, तो यूनिक देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को इस बात की जानकारी रखना है। तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका है कि पार्ट टू के एडमिशन की प्रक्रिया आपको अपने कॉलेज से ही पता चलेगा। कुछ कॉलेज में एडमिशन चल रही है, तो जिसमें चल रही है उसमें आप ले सकते हैं, और कुछ कॉलेज में रिजल्ट के बाद भी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होते हैं, और कुछ कॉलेज में जब पार्ट टू के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे तभी हो जाते हैं। तो जो भी जानकारी होगा मैं आप लोगों को बताऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।